हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं आर्किटेक्ट न्यूज। स्टार्ट करता हूं इसकी वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन मोटोरोला वन विजन का रेडमी K20 से, जो कि ग्लोबली मी 9T के नाम से भी लॉन्च हुआ है। तो आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह मैंने 5 मिनट से कंपेरिजन किया है, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और जो अदर फीचर है मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता रहूंगा। सबसे पहले बात करूंगा दोनों की बिल्ड क्वालिटी की। तो मोटोरोला वन विजन में आपको फ्रंट बैक गिलास मिलता है और जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का मिलता है। मतलब यहाँ पर एक तरह की प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन जो फ्रेम प्लास्टिक का है तो फ्रेम पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो ये टोटली प्रीमियम नहीं कहेंगे, लेकिन फ्रंट एंड बैक पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और गोरिल्ला ग्लास का भी कुछ वर्जन है, इनको खुद नहीं पता कौन सा वर्जन है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेडमी K20 की, तो वहां पर आपको फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम का मिलता है और जो डिज़ाइन है बहुत ही ऑसम है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस रेडमी K20 जो है वो क्लियरली विन करता है। यहाँ पर आपको जो फ्रेम है वो भी मेटल का मिलता है, फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो स्क्रैचेस बहुत मुश्किल से पड़ेंगे, आएंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी कवर के साथ यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो प्रीमियमनेस है वो रेडमी K20 में ज़्यादा है। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी रेडमी K20 इज़ अ क्लियरली विनर। अब मैं बात करूँ अगर दोनों की स्क्रीन की, तो मोटोरोला में आपको 6.3 इंचेस का IPS LCD पैनल मिलता है। ऊपर की तरफ पंच होल कैमरा है और यहाँ पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। इतनी ज़्यादा प्राइसिंग में भी एक IPS LCD पैनल है तो थोड़ा बुरा लगता है देख के कि यहाँ पर आपको सुपर एम्बुलेट होना चाहिए था, लेकिन जो है वो है। अदर देन जो डिस्प्ले है अच्छा है, कोई मसला नहीं होगा आपको, जो पिक्सल्स वगैरह सही से दिखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेडमी K20 की, तो वहाँ पर आपको सुपर एम्बुलेट डिस्प्ले मिलता है 6.39 इंचेस का, और यहाँ पर आपको कोई भी नॉच, कोई भी पंच होल कैमरा नहीं मिलता। कैमरा जो है ऊपर से मोटराइज होता है, पॉपअप होके निकलता है, तो इसकी वजह से जो स्क्रीन है वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है पूरी स्क्रीन ही स्क्रीन मिलती है आपको, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यूजिंग में भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा यार आप बहुत ही ज़्यादा कोई मॉडर्न फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही कोई यूनिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और सुपर एम्बुलेट है तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन रेडमी K20 इज अ क्लियर विनर। मतलब IPS LCD को आप सुपर एम्बुलेट से कंपेयर नहीं कर सकते। सुपर एम्बुलेट एक बहुत ही ऑसम डिस्प्ले होता है, कलर वाइब्रेट होकर निकलते हैं, और अगर आप साइड बाय साइड भी रखो तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं बात करूँगा दोनों की परफॉर्मेंस की। तो मोटोरोला में आपको सैमसंग का एक्जीनोस 9609 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है। इसका जो एंटूटू स्कोर है वो 1,40,000 है ऑलमोस्ट। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप पबजी वगैरह हाई सेटिंग पे खेलते हैं तो क्या पता आपको थोड़े बहुत लैग मिले, बाकी डे टू डे यूज में आपको ऐसे कोई खास पता नहीं रहेगा। लेकिन कोई फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का कह रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत नॉर्मल है, बहुत एवरेज है। लेकिन अगर बात करूं रेडमी K20 की, तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 730 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है और 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर बना हुआ है। और यहां पर आपको मिड रेंज में सबसे पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 730 है, और इसका जो एंटूटू बैंड का स्कोर है वो 2 लाख से ऊपर जाता है। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल ये प्रोसेसर है। यहां पर आप कोई भी गेम आराम से खेल सकते हैं विदाउट किसी लैग के, आपको जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल की मिलेगी। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रेडमी K20 जो है वो क्लियरली विनर है, कोई कंपैरिजन नहीं है मोटोरोला वन विजन से। अब मैं बात करूँ दोनों के कैमरा की, तो बैक पे दोनों के 48 MP कैमरे हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस है। अगर बात करूँ अगर मोटोरोला वन विजन की, तो मोटोरोला वन विजन में आपको 2 कैमरे मिलते हैं बैक पे, 48+5 MP, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के लिए। मतलब ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता इतने ज़्यादा पैसे देकर भी। आपका जो मेन सेंसर है 48 MP का, उससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फी पिक्चर्स तो ले लोगे, लेकिन आपको वाइड एंगल मोड नहीं है, टेलीफोटो लेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेडमी K20 की, तो वहाँ पर आपको बैक पे 3 कैमरे मिलते हैं, 48 MP का मेन कैमरा, 13 MP का टेलीफोटो अल्ट्रा वाइड लेंस और 8 MP का टेलीफोटो लेंस। तो इस तरह से 3 कैमरे मिलते हैं आपको रेडमी K20 में, और वहाँ पर आप जो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, अल्ट्रा वाइड भी है, टेलीफोटो लेंस भी है, जो लो लाइट पिक्चर क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है।
इन टर्म्स ऑफ कैमरा रीडमी के 20 इज अ क्लियरली विनर, यहाँ पर भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन एक जगह है जहाँ पर मोटोरोला वन विजन जो है थोड़ा आगे निकल जाता है सेल्फी के मामले में। मोटोरोला वन विजन में आपको 25 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जो कि बेहतर है, जाए 25 मेगापिक्सल आपकी जो डे टू डे यूज के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर बात करूँ रेडमी के 20 की तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मेगापिक्सल की मिलती है, जबकि 20 मेगापिक्सल भी कोई कम नहीं है लेकिन 5 मेगापिक्सल का फर्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी सेल्फी लेनी है। वैसे सिर्फ सेल्फी के लिए मोटोरोला वन विजन लेना तो बहुत बढ़िया जो है वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इससे कम प्राइसिंग में आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। अब मैं बात करूँ अगर दोनों की बैटरी की तो यहाँ पर भी रेडमी के 20 आगे जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में आपको यूएसबी टाइप सी मिलता है। रेडमी के 20 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और बैटरी भी बड़ी है और प्रोसेसर भी जो इन्होंने अच्छा यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मोटोरोला वन विजन की तो वहाँ पर आपको एक एडवांटेज है कि IP67 पैनल है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको बैटरी के हिसाब से, और दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉयड वन की सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पर जो ब्लोटवेयर है वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी है वो 3500 mAh की मतलब कम बैटरी है, और जो फास्ट चार्जिंग है वो भी सिर्फ 15 वाट की है। तो यहाँ पर आपको ना फास्ट चार्जिंग ज़्यादा मिलती है और बैटरी भी कम मिलती है, तो ये राउंड भी रियलमी K20 विन करता है। और अब मैं बात करूँ अगर एक्स्ट्रा फीचर की तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है रेडमी K20 में, मोटोरोला वन विजन में नहीं मिलता। मोटोराइज कैमरा मिलता है रेडमी K20 में, मोटोरोला वन विजन में पंचोल कैमरा मिलता है। और यहाँ पर एक और बात है कि सॉफ्टवेयर सिर्फ मोटोरोला वन विजन का अच्छा है, क्योंकि मोटोरोला वन विजन में आपको एंड्रॉयड वन की डिवाइस है, तो बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड मिलता है। तो इन दी एंड रेडमी K20 इज अ क्लियरली विनर, कैमरा परफॉर्मेंस बिल्ड क्वालिटी हर चीज़ में रेडमी K20 विन करता है, और मोटोरोला वन विजन कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।